Before we begin the bulletin, there's exclusive breaking news that is coming on India Today as of now. For the first time, a minister in Modi government has on record come forward to say India is considering covert operations to take down India's most wanted, Dawood Ibrahim. Speaking exclusively to India Today Group's Seedhi Baat, Union Minister Colonel Rajyavardhan Singh Rathore says Modi government will do what it takes to neutralize India's enemies. मैं ये चाहता हूँ कि हमने अब जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आ रहे थे अजीत डोवाल साहब ने एक डॉसिये तैयार किया दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर समर्थन को लेकर आपने डॉसिये तैयार किया जब म्यांमार का ऑपरेशन हुआ था कल राठौर तब आपने ट्वीट किया था कि 56-inch rocks a salute to the Indian Army for Manipur revenge attack तो लोग जानना चाहते हैं कि जो आपने कहा कि सराहनीय था मणिपुर में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ हम इस तरह का ऑपरेशन क्यों लेकर हो सकता है करें लेकिन करने से पहले चर्चा नहीं होगी करने के बाद हो सकता है हो जाए हो सकता है ना भी हो ये डिपेंड करता है कि जो ऑपरेशन हुआ है उसको सरकार दर्जा देती है क्या कवर्ट ऑपरेशन होना चाहिए या स्पेशल ऑपरेशन होना चाहिए कवर्ट ऑपरेशन की हो सकता है चर्चा कभी भी ना हो कई देश करते हैं स्पेशल ऑपरेशन की चर्चा ऑपरेशन से पहले नहीं होती बाद में हो सकती है तो ये सरकार का निर्णय है कब करे हो सकता है अभी हो रही हो सकता है नहीं हो रही हो लेकिन चर्चा होगी होने के बाद तो लेकिन आपका कहना यह है कि सरकार कंसिडर कर रही है मतलब कि ये दाऊद इब्राहिम को ना लगे हफीज सईद को ना लगे कि वो आराम वहाँ पर बैठे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नल राठौर अजीत डोवाल मनोहर पर्रिकर इन सबकी नज़र है इन पर हिंदुस्तान के दुश्मन कहीं भी बैठा हो इस गलतफहमी में ना रहे कि हिंदुस्तान उनके खिलाफ कुछ सोच नहीं रहा है हम हर वक्त अपने दुश्मन को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल यह खड़ा हुआ कि मोदी सरकार 15 महीने हो गए पहले तो कहते थे कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हफीज सईद ने हिंदुस्तानियों का खून बहाया है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए दाऊद इब्राहिम हम जानते हैं कहाँ पे ये मनमोहन सरकार ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं कुछ किया नहीं अब तो लोग कह रहे 15 महीने जनाब आपको भी हो गए आपने क्या किया अब तक हफीज सईद भी जिंदा है दाऊद इब्राहिम भी जिंदा है राहुल आप तो फौजी के बेटे हो आप फौजियों से बात करते रहते हो मैं आपको आज बता देता हूं और ये सच है कि ना सिर्फ हमने सैनिकों के वेलफेयर के लिए काम करा वन रैंक वन पेंशन इतना बड़ा हिस्टोरिक वेलफेयर का कदम उठाया लेकिन इससे पहले जो सैनिक सरहद पे रहते हैं उनको हमने उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा कर दिया सिर्फ इतना कहकर कि जो तुम करोगे तुम्हारे साथ रक्षा मंत्री खड़ा है तुम्हारे साथ ये भारत की सरकार खड़ी है तभी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट कहते हैं कि उधर से गोली आती है तो यहां से गोला जाता है हर समय मुंह तोड़ जवाब दिया है नहीं, और देते रहे सैनिकों से बात करो आप खुद चुकी सैनिक रहे हैं लोग आपकी इज्जत करते हैं लोग कहते हैं कि ये डॉसिये देने से पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा दाऊद इब्राहिम के मुद्दे में मतलब डॉसिये हमने पिछले 10 साल में दिए हैं अगले 10 साल निकल जाएंगे फिर भी हम डॉसिये शाम दाम दंड भेद सब चीजों का इस्तेमाल होगा डॉसियर भी देंगे और बाकी सब कुछ भी होगा बड़ी बात कह रहे हैं आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि इसी का इंतजार हिंदुस्तान की जनता को बहुत दिनों से है कि आखिरकार कब हमारे जो हथियारे पाकिस्तान में ISI की प्रोटेक्शन में बैठे उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई इस कार्रवाई की चर्चा हम इस टेबल पे तो करने से रहे बेशक और ना ही किसी भी मीडिया चैनल में होगी और जब कभी ऐसी बात होगी तो आप सबको खबर लगी जाएगी Let me now go across to Rahul Kanwal, Managing Editor, India Today, who has got us this exclusive interview with Rajyavardhan Rathore. Rahul, tough talk there by the minister in the Modi government for the first time coming on record and saying that India, the government, may be planning a covert operation to neutralize Dawood Ibrahim. This is very significant because in one stroke, Colonel Rajyavardhan Singh Rathore has sent a very strong message to India's enemies and to those who harbour them that do not think that you can sit in peace. Every moment, he says, the Indian government is thinking of ways to be able to neutralise its enemies. This has never been said in public. This is the first public admission of the fact that covert operations are on the table. He says they could be considered now, they could be considered later, but India's enemies should know Sam Dam Dand Bhed. By fair means or foul, the Indian government will do what it takes to neutralize our enemies. Our actions will not be restricted to just handing over dossiers. We will go beyond that. He, of course, refuses to give any operational details about whether this will happen through covert operations, whether it will happen through special forces. And in any case, that's hardly the kind of thing that should be discussed on national TV. But he sent a message that when the act is done,
you will get to know about it. And India's enemies should know they are in the government's crosshairs. Never before have we seen any Indian minister make a declaration as bold and as public as that. Rahul, stay on with me. Let me quickly go across to our colleague in Islamabad, Kaswa Kalsar. He's joining us on the phone line. How does the Pakistani establishment going to react to this, Kaswar? Now, a minister in the Indian government coming out and saying that all options are on the table, even a covert operation against Dawood Ibrahim and Hafiz Saeed is on the table. Yeah, this is really an important statement coming from an important minister in the Modi government. But one thing is very much clear, that is Pakistani side has never been easily admitted that Dawood Ibrahim was here in Pakistan. They still say that even the whereabouts of Dawood Ibrahim has not been traced anywhere in Pakistan. So I think in this regard, the reaction from the Pakistani side would be the same. They have been retaliating since long that Dawood Ibrahim doesn't exist here. But one thing is very much important. Mm-hmm. That is one of the important ministers, that is the Pakistani defense minister. He has said last week that Pakistan is not Myanmar. It means they have got to know that the Indian government can go to a great extent to undergo the covert operation. So it was really an amazing and important statement coming from Pakistani defense minister, that Pakistan is a nuclear statement, that we would retaliate any sort of statement, any sort of reaction from Indian side if they go for any sort of covert operation to yeah. Thank you so much, Kasra, for joining us from Islamabad. Also, Rahul Kamal for bringing us this exclusive interview with Rajyavardhan Singh Rathore. The government, for the first time, saying all options are on the table, and tough words coming out of the minister in the Indian government just 2 days before that important meeting of the military. The DG of the Pakistani Rangers and the DGMO here, the DGMO level meeting between India and Pakistan. We'll track this story very closely.